सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। और दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि आपने जो वाटर फ्लो स्विच है या वाटर लेवल स्विच है उसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन किसके साथ, जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ। तो देखें ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हम लेके आए हुए हैं। तो अगर आपके जो फ्लो स्विच है अगर आपका ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है और बार बार ख़राब हो रहा है तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो है जी इसको आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ यूज़ करें, तो ये जो है वो फ्लो स्विच है वो ख़राब नहीं होगा जल्दी, और बल्कि ये बहुत अरसे तक चलेगा, काफ़ी अरसे तक। और कॉन्टैक्टर जो है ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो आए चलते हैं, आपको ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपने ये फ्लो वाटर लेवल स्विच के साथ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं साइड पे और आपको ये सारी जो है डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। और जी ये है टैंक जहाँ पे आज हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका ढक्कन खोल लेंगे हम, और ढक्कन को खोल के तो फिर इसके बाद इसमें होल करेंगे और आपको बताएँगे कि आपने किस साइज़ का होल करना है। यहाँ पर किसी भी एक जगह को चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद वहाँ पर हमने जो हमारी वायर है जो कि फ्लो स्विच की वायर है उसके मुताबिक हमने उसमें होल करना है। देखें ये वायर हमारी तकरीबन 9 mm की है, सॉरी, तो 9 mm का हमने होल करना है ताकि आसानी से वायर जो है इसके अंदर जा सके। और देखें ड्रिल बिट ले ली और देखें अभी होल मारेंगे तो ये देखें जी ये होल हो गई। और अब जो फ्लो स्विच है वाटर लेवल स्विच है उसको हम देखें, हाँ जी, इसके अंदर डाल के और वायर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से वायर को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। अब हमने देखें जी ये होल में वायर को डाल दिया है। अभी दूसरी साइड से हम आपको दिखाएंगे इसका वाटर लेवल स्विच जो है, लेकिन यहाँ पे अब आप कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो कनेक्शन देखें यहाँ पे 3 वायर्स हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। तो लाइट में शायद इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखें ये ब्लैक है, ये ब्राउन है और ये ब्लू है। तो जो ब्लैक है इसमें कॉमन होती है, और ब्राउन वायर जो है वो इसलिए होती है कि अगर पानी आपने टैंक में भरे हुए टैंक से पानी निकालना है तो उसके लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो ब्लू है वो खाली टैंक को भरने के लिए है ताकि भरने के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो अभी हम ब्राउन वायर को यहाँ से काट देंगे। तो देखें ब्राउन वायर को हमने काट दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है हम हमारे पास वायर्स मौजूद हैं। देखें हमने नीचे से वायर जो है सीरीज़ में लेके आए हुए हैं, तो अब इनके साथ दोनों को किसी भी एक तार के साथ जोड़ देंगे इनको, तो दोनों लगा देंगे अभी। और ये देखें जी दोनों वायर्स का कनेक्शन हो चुका है। अब हम इनको मुकम्मल प्रोटेक्ट कर देंगे टेप लगा के ताकि किसी किस्म का वाटर वगैरह इसके अंदर ना जाने पाए। जो इसके जो एडजस्टमेंट है वायर की और इसके वाटर फ्लो स्विच की या वाटर लेवल स्विच की, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है अभी रहती है। अब हम जब नीचे मोटर को चला लेंगे और पानी आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे कितना हमें चाहिए। और ये है जी वो बोर्ड जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो यहाँ पे हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो देखें इसको हम खोल लेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके बैक पे हम जगह बनाएंगे और जगह बना के तो इसमें हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जो है वो खोल लिया है। तो देखें अभी हमने मेन सप्लाई भी बंद कर दी हुई है, देखें ये 0 पे है। तो इसके अलावा हम इसका जो मेन ब्रेकर है वो भी नीचे कर दिया उसको। अब अगर कॉन्टैक्टर की जगह को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड जगह है। तो देखें अगर मैं आपको दिखा दूँ कि देखें ये कॉन्टैक्टर जो है अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ तो ओपन जगह है, लेकिन फिर हमारा ये जो ऊपर वाला बोर्ड है ये कॉन्टैक्टर के साथ आके लगता है, तो इसलिए हम इसके लिए परफेक्ट जगह ढूंढेंगे ताकि किसी भी किस्म का एक्सीडेंट वगैरह इसके साथ ना हो सके। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे और आपको दिखाते हैं कि फिर इंस्टॉलेशन के बाद इसके कनेक्शंस करेंगे। आप देखें जी यहाँ पे कुछ वायर्स के कुछ इस तरह कनेक्शंस होंगे कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पे 6 वायर्स आ रही हैं, तो इन 6 वायर्स को हमने अरेंज करना है। तो इसमें 2 वायर्स जो हैं वो हमारे पास, देखें ये वाली और ये वाली, ये हमारी न्यूट्रल फेज़ है जो कि मेन एक ब्रेकर से आ रही है और एक न्यूट्रल इसके दूसरे ब्रेकर से आ रही है। इसके बाद ये 2 वायर्स जो हैं ये वाली और ये न्यूट्रल जो है ये मोटर को जा रही है,
और ये दो जो हैं जो पतली वाली वायर्स हैं ये दोनों जो है टैंकी को जा रही हैं और ये फ्लो स्विच में या वाटर लेवल स्विच में जा रही हैं। अब यहाँ पे देखें ये दोनों दो वायर्स आ गई हैं और ये मेन सप्लाई है। देखें L1 L3 पे मैंने दो जो है वो मेन सप्लाई यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे देखें जी ये कॉन्ट्रैक्टर को अगर गौर से देखा जाए तो दो वायर्स मैंने इस तरफ लगाई हैं रेड एंड ब्लैक और दूसरी रेड एंड ब्लैक इस तरफ लगाई है। तो ये मेन सप्लाई होगी और ये जो है वो मोटर के लिए इनपुट है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब इनके दूसरे कनेक्शन जो करेंगे वाटर फ्लो स्विच या लेवल के लिए तो वो भी आपको दिखा देते हैं वो कैसे होंगे। अब ये जो एक रेड वायर है मैंने उसको डायरेक्ट लगा दिया है और एक हमारे पास एक बच गई है तो हम इसको जो है वो लगा देंगे जी। अब ये फ्लो स्विच की एक वायर जो है वो हमने डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ लगा दी और एक डायरेक्ट कॉइल के साथ लगा दी है। अब यहाँ पे ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जो कॉइल की मेन सप्लाई भी दे देंगे तो मेन सप्लाई यहाँ से हमारी यहीं से इसके साथ जम्पर लग जाएगा। अब ये देखें ये जंपर जो है वो डायरेक्ट मैं इसकी कॉइल के साथ लगा दूंगा तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हो जाएगा। यूँ हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस मोटर को चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम कर रही है फ्लो स्विच के साथ। अब जी देखें जी ये वाटर टैंक जो है वो हाफ जो है वो भरा हुआ है लेकिन ये डायरेक्ट भरा हुआ था। अब हम इसको फ्लो स्विच लगा देंगे तो देखिए फ्लो स्विच की एडजस्टमेंट करेंगे अभी तो इसको थोड़ा वायर को ऊपर खींचते जाएंगे। देखें अभी देखें ये मोटर चल गई है और देखें ये पानी आना शुरू हो गया है क्योंकि फ्लो स्विच जो है वो नीचे की तरफ चला गया तो ये बिल्कुल सही हो गया। ये जो येलो चीज़ होती है येलो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जी लेवल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि ये जो वेट होता है इसमें लगा हुआ देखें ये फ्लो स्विच है इसके नीचे एक वेट लगा होता है इस वेट को आगे पीछे करने से भी जो है वाटर का लेवल किया जा सकता है। लेकिन ये वेट लेवल कौन सा होता है जी ये लेवल होगा कि आपने टैंकी को कितना भरना है कहां तक भरना है। अगर बड़ी टैंकी है तो इसका लेवल इसको ज़्यादा कर दें और अगर छोटी टैंकी है तो इसको जो है वो कम कर दें। चूँकि हमारे यहाँ पर इस वक्त टैंक छोटा है तो हम इसको नज़दीक रखेंगे और नज़दीक रखने से क्या होगा देखें हम जितना नज़दीक रखेंगे और ये जल्दी फिर बंद कर देगा। अब दूसरा लेवल जो होता है वो यहाँ से किया जाता है तो हम क्या करेंगे जी लेवल करने के लिए जितना हमने लेवल करना है तो फ्लो स्विच को हम उठा लेंगे और मोटर को स्टार्ट कर लेंगे। तो देखें ये पे मोटर हमारी स्टार्ट हो गई है पानी आना शुरू हो गया है। अब टैंकी जब जितनी हमने भरनी है उसके हिसाब से जब भर लेंगे तो इसका हम लेवल कर देंगे फ्लो स्विच का तो वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। अब यहाँ पे देखें जी ये पानी टैंक में आ रहा है। अब फ्लो स्विच को हम देखें यहाँ पर हमने लेवल करना है इसका तो हम वायर को नीचे करते जाएंगे। देखें वायर नीचे डालते जाएंगे और वायर नीचे डालेंगे देखें जी ये पानी बंद हो चुका है और फ्लो स्विच है वो ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे हम इनको लॉक कर देंगे और लॉक करने का क्या तरीका होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्या करेंगे देखें यहाँ पे जो वायर है इसके ऊपर हम केबल टाई इसको बांध देंगे। देखें इसको टाइट कर देंगे इनके ऊपर केबल टाई ताकि ये अपनी पोजीशन जो है वो एक जगह पे बरकरार रखें। तो ये केबल टाई लगाएंगे और देखें और ये देखें जी ये केबल टाई लग गई है एक और लगा देंगे इसके ऊपर दूसरी तरफ को और देखें फालतू को हम काट देंगे और देखें इस वक्त ये यहाँ पर हमने इसको लॉक कर दिया है। अब ये जो है देखें ये बाहर की तरफ तो आ सकता है देखें बाहर की तरफ तो आ सकता है लेकिन नीचे अंदर की तरफ नहीं जाएगा तो ये लॉक हो चुका है और अब जो है हम आसानी से इसके कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस ये देखें अभी ये अंदर अपना लेवल बराबर रखेगा और ये देखें इसी लेवल पे ये बंद रहेगा। जब ये कम हो जाएगा तो पानी जो है वो आ जाएगा जब ये पानी इतना भर जाएगा तो ये जो है वो अपना जो है वो उसको ऑफ कर देगा। और ये देखें जी कनेक्टर जो है वो इस वक्त नीचे जा चुका है और अपना काम कर रहा है। अब इसको बंद कर देंगे जी बंद करें जी ये देखें जी ये ऊपर आ गया है तो परफेक्टली ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो इस तरह से आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये इस तरह से जी आप सिंगल फेज जो मोटर है
उसको आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसकी वायरिंग डायग्राम है, ये इसका जंपर और ये फ्लो स्विच के दोनों वायर्स हैं और बाकी जो लाइन न्यूट्रल हो गया। और थ्री फेज मोटर के लिए देखें, थ्री फेज जो होगी लाइंस तीन लाइन आ जाएंगी और बाकी कनेक्शन जो है वो सेम सिंगल फेज की तरह ही रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर से इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉरओवर टेक।